Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here it is: Draw a grassland pyramid to substantiate your answer. So हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस ही क्या करते हैं की कंसेप्ट, वो है ग्रासलैंड पिरामिड के बारे में. सो अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर ग्रासलैंड पिरामिड या ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. दे आर मेनली ग्रासेस, वो है क्या, मेनली ग्रासेस हैं, ठीक है. एंड ये हमेशा क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं. एंड दैट इट कुड बी मैक्सिमम विच इज फर्दर, ये आगे फॉलो करते हैं, दैट इज फॉलोड बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हर्बीवोर्स. फर्दर अगर हम देखते हैं तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं कार्निवोर, जो कि जिनका नंबर उससे भी कम होगा. थर्ड में आ जाते हैं कार्निवोर, ठीक है. एंड लीस्ट नंबर ऑफ प्रेडेटर जो होते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ प्रेडेटर जो होते हैं, दे मस्ट बी सीन एट द एपेक्स. तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है या ग्रासलैंड पिरामिड होता है, दैट इज ऑलवेज इन अ अपराइट पोजीशन. जैसे कि ये एक अपराइट पिरामिड है, तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आएगा, दैट इट कुड बी प्रोड्यूसर्स, ठीक है. प्रोड्यूसर के ऊपर हमारे पास आ जाएंगे हर्बीवोर, जब उनका नंबर कम होगा. फिर हमारे पास आएंगे कार्निवोर, टॉप कार्निवोर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे प्रीडेटर्स. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.